इंडिया फिल्म हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर 4 दिनों के अंदर पूरी तरह से ऐतिहासिक कलेक्शन करके सबको चौंका दिया। वही सुपरस्टार महेश बाबू की गुंटूर कारम ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से ज्यादा की कमाई 4 दिनों में ही कर डाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान, गुंटूर कारम, कैप्टन मिलर, ना सामी रंगा और मेरी क्रिसमस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड की फिल्म मेरी क्रिसमस के बारे में, श्री राम राघवन के डायरेक्शन में बनी मेरी क्रिसमस फिल्म को सिनेमा घरों में आज हो चुके हैं 4 दिन। इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति, और इस फिल्म को हिंदी तमिल दो भाषाओं में रिलीज किया था। दोस्तों मेरी क्रिसमस फिल्म ने अपने पहले दिन तो डिसेंट ओपनिंग ली थी, लेकिन वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन काफी बढ़िया रहे। वही ये फिल्म 4th दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है शानदार कमाई। दोस्तों आपको बता दें कि मेरी क्रिसमस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन दोनों भाषाओं से 2,55,00,000 रुपए का किया था, तो दूसरे दिन कमाए थे 3,45,00,000 रुपए, वही तीसरे दिन 4,10,00,000 रुपए, वही ये फिल्म आज यानी कि अपने 4th दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 2,50,00,000 रुपए। इसी के साथ मेरी क्रिसमस फिल्म का 4 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 12,60,00,000 रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 15,01,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 2,28,00,000 रुपए की टोटल कमाई की है, और इसी के साथ फिल्म का 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 17,29,00,000 रुपए का हो चुका है, जो कि एक तरह से ठीक ठाक कमाई है। लेकिन दोस्तों फिल्म का बजट ज्यादा है, उस हिसाब से देखे जाए तो फिल्म को हिट होने के लिए अभी तो और ज्यादा कलेक्शन करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक्शन पैक्ड फिल्म कैप्टन मिलर के बारे में, जिस फिल्म को रिलीज किया गया है तमिल, कन्नड़ा और हिंदी तीन भाषाओं में। इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं धनुष, शिवराज कुमार सर और सुदीप किशन। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को भी सिनेमा घरों में आज हो चुके हैं 4 दिन, और अगर बात करें फिल्म के 4 दिनों के कलेक्शन की, तो फिल्म ने पहले दिन भी अच्छी खासी कमाई की, दूसरे दिन भी फिल्म के कलेक्शन जबरदस्त रहे, वही तीसरे दिन तो फिल्म की कमाई और भी बढ़िया रही। और दोस्तों आज यहां पर संक्रांति की छुट्टी होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन फिर से बढ़िया आ रहे हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन मिलर फिल्म ने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 9,78,00,000 रुपए का किया था, दूसरे दिन कमाए थे 7,45,00,000 रुपए, वही तीसरे दिन 8,25,00,000 रुपए। फिल्म को आज जो ऑक्यूपेंसी मिली है उसके हिसाब से यह फिल्म 4th दिन 6,85,00,000 रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ कैप्टन मिलर फिल्म का शुरुआती 4 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 32,33,00,000 रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 38,53,00,000 रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 9,12,00,000 रुपए की टोटल कमाई की है, और इसी के साथ कैप्टन मिलर फिल्म का शुरुआती 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 47,65,00,000 रुपए का हो चुका है। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का जितना बजट है उस हिसाब से फिल्म ने 4 दिनों में अच्छी खासी कमाई कर ली, और लग रहा है कि ये फिल्म पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर हिट का टेक ले जाएगी। लेकिन अब अगर बात करें तेलुगु फिल्म ना सामी रंगा के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सुपरस्टार नागार्जुन सर, ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म में ढेर सारी कॉमेडी, बढ़िया एक्शन और शानदार कहानी होने की वजह से ये मूवी तेलुगु ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन तो अच्छी खासी ओपनिंग ली, साथ ही साथ फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन भी काफी बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को रिलीज किया गया था संडे, जिसके चलते इस फिल्म को सिनेमा घरों में आज सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और अगर बात करें फिल्म के 2 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ना सामी रंगा फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 8,13,00,000 रुपए का किया था, वही दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में एक हल्का सा ड्रॉप देखने को मिल रहा, और यह फिल्म सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन 6,50,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ ना सामी रंगा फिल्म का 2 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 14,63,00,000 रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 17,43,00,000 रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 5,72,00,000 रुपए की टोटल कमाई की है, और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड 2 दिनों का कलेक्शन होता है वो हो रहा है 23,15,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों फिल्म 2 दिनों में दुनिया भर से 23,15,00,000 रुपए की कमाई कर चुकी है, और फिल्म लोगों को पसंद आ रही, रिव्यूज अच्छे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यह फिल्म 2 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर चलेगी और फाइनली ये फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। वही दोस्तों बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म गुंटूर कारम के बारे में, जो कि एक तेलुगु
तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सुपरस्टार महेश बाबू, श्रीलीला। और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज हो चुके हैं 4 दिनों और फिल्म ने 4 दिनों में अच्छी खासी कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि गुंटूर कारम ने इस साल की इंडियन फिल्मों की तरफ से सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, लेकिन फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में ड्रॉप आया। तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में हल्की सी ग्रोथ आई, लेकिन चौथे दिन संक्रांति की छुट्टी होने के बावजूद भी इस फिल्म के कलेक्शन चौथे दिन थोड़े कम हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर गुंटूर कारम के 4 दिनों के डिटेल कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 53 करोड़ का किया था, वहीं दूसरे दिन 19 करोड़ 30 लाख रुपए का। तीसरे दिन दोस्तों संडे था और फिल्म ने तीसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 21 करोड़ 80 लाख रुपए का किया। हालांकि दोस्तों आज फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। वहीं आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी एक तरह से ठीक ठाक है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक गुंटूर कारम फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 13 करोड़ 50 लाख रुपए का। और इसी के साथ गुंटूर कारम का 4 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 107 करोड़ 60 लाख रुपए का हो चुका है। वहीं इंडिया ग्रोस कलेक्शन 128 करोड़ 25 लाख रुपए। बताना चाहूंगा फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 42 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की है। और इसी के साथ गुंटूर कारम का 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 171 करोड़ 10 लाख रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म 4 दिनों में दुनिया भर में 170 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बताना चाहूंगा दोस्तों, गुंटूर कारम फिल्म का जो बजट है वो है 150 करोड़ रुपए का, यानी कि फिल्म बजट से ज्यादा कमाई 4 दिनों के अंदर कर चुकी है। अब देखते हैं कि ये फिल्म आने वाले समय में और कितना कलेक्शन करती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म हनुमान के बारे में, तो दोस्तों यहां पर प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी सुपर हीरो फिल्म हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाका कर दिया और इसके साथ जितनी भी फिल्में रिलीज हुई थी उन सभी फिल्मों को इस मूवी ने पछाड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, बजट के मामले में हनुमान फिल्म इस हफ्ते रिलीज हुई जितनी भी फिल्में हैं उन सबसे कम बजट की फिल्म है। लेकिन अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म के कलेक्शन दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये फिल्म साउथ लैंग्वेजेस में तो दमदार कलेक्शन कर रही है, इसके अलावा फिल्म के हिंदी मार्केट के भी पूरी तरह से जबरदस्त कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 55 करोड़ के बजट में बनी हनुमान फिल्म जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था और फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 4 दिन। बात करें फिल्म के 5 भाषाओं के 4 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों हनुमान फिल्म ने 2 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 24 करोड़ 65 लाख रुपए का किया था। वहीं तीसरे दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रहा। दोस्तों आज तो ये फिल्म इस हफ्ते जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है उन सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, क्योंकि आज इस फिल्म के पास हिंदी में भी स्क्रीन्स बढ़ चुकी है, वही साउथ लैंग्वेजेस में भी। और फिल्म की जो आज की ऑक्यूपेंसी है वो कल के मुकाबले सिर्फ थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक हनुमान फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 15 करोड़ 50 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों हनुमान फिल्म का शुरुआती 4 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 57 करोड़ 45 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 68 करोड़ 50 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 18 करोड़ 50 लाख रुपए की अब तक कमाई की है। यानी कि दोस्तों 4 दिनों में हनुमान फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो हो चुका है 87 करोड़ 87 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का बजट सिर्फ 55 करोड़ रुपए है और फिल्म 4 दिनों में 87 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अगर सब कुछ सही रहा तो कल ही ये फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी। जी हाँ दोस्तों, 5 दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 100 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मूवी 100-200 करोड़ पे नहीं रुकेगी, और अगर ये फिल्म दूसरे हफ्ते में भी होल्ड बना पाने में कामयाब रही तो शायद ये 250 या 300 करोड़ पर ही जाके रुकेगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, हनुमान फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहाँ तक जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।